यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में, द शेडिड पार्ट इन द फिगर, जो शेडिड पार्ट है इस फिगर में, रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन इज 3/8। अब क्या ये फ्रैक्शन बन रही है 3/8? ओके, काउंट कर लेते हैं हम। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो डिनोमिनेटर हो गया, और 1, 2, 3 न्यूमिरेटर हो गया, 3/8 तो यहाँ 3/8 ही है। यस, तो इट्स मीन दिस ऑप्शन इज ट्रू, दिस क्वेश्चन इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट बी, 5/15 एंड 1/3 आर इक्विलिएंट फ्रैक्शंस। अब ये बताएं 5/15 और 1/3 क्या इक्विलिएंट फ्रैक्शन है? ओके, देख लेते हैं ये किस तरह से। देखिए, अब 5 से कम किया गया है 3, पीछे आपको मैंने ऊपर बताया ना, वहाँ मल्टीप्लाई किया गया था, ठीक है। यहाँ अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 के टेबल में कहाँ 15 आता है, 5 सर, ठीक है। तो हमने दोनों नंबर्स को एक ही नंबर से सेम करना आता है, डिवाइड ही करेंगे ऊपर भी। तो 5 को 5 से डिवाइड कर दें, 5 की तजा 5, 5 वन ज़ा 5, इट्स मीन ये इक्विलिएंट फ्रैक्शन है, ठीक है। कौन सी फ्रैक्शन है? इक्विलिएंट फ्रैक्शन, इट्स मीन ये भी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट 7/9 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बताइएगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यस, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इट्स मीन ये फॉल्स है। 9/10 लेस देन 4/10। अब 9 छोटा है क्या 4 से? नहीं ना, तो ये रॉन्ग हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 9 छोटा है, इन्होंने बोला 4 से, यहाँ होगा 9 बड़ा है 4 से, ग्रेटर देन आएगा, तो इट्स मीन ये क्रॉस हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो फॉल्स आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इन द फ्रैक्शन 2/5, 5 इज़ द न्यूमरेटर। अब 5 हमारा न्यूमरेटर तो होता है, वो तो अपर वो होती है वैल्यू, ठीक है, लोअर वैल्यू तो डिनोमिनेटर होती है। तो यहाँ इसने क्या बोला, लोअर वैल्यू ली और उसे बोल दिया न्यूमरेटर, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं।